अस्सलाम वालेकुम ईगल टीवी जा नाजरीन तमाम कच्ची आवाम अज ईगल टीवी जी पूरी टीम लाखों जी सर जमीन अने लाखों भुज तालुके जी बाजू में करीब 12-14 किलोमीटर मथे गांव है इन महान वली कामी जी मुकद्दस दरबार में आयो जो नालो है साईं कारा कादू रामतुलाल है अने साईं कारा कादू रामतुलाल ही महान हस्ती कच्छ लाखों जी सर जमीन मथे जो इन मादरे वतन
जो आसालड़ी जेड़ोकर दया पर जे बाजू में है ओडानू जेड़ोकर पंजे मादरे वतन के छड़े करे अने लाखोंद गांव में आया लाखोंद गांव जी सरजमीन मते अची करे दीन इस्लाम जी तबलीग क्यों अने इनी जो कुरो कुरो एडा जेड़ोकर इन गांव में जेड़ोकर किन किन समाज से ताल्लुक रखे था इन समाज से ताल्लुक रखे था इन्हीं से इन्हीं विषय जेड़ोकर इन गांव जा जो अग्रणी इन्हीं के पास पुछता सी इन्हीं जी कुटुंब में जा जो इन घराने में जा जो जिन घराने में जाई आई इन विषय इंशाला पुछता सी तेरी मान अस्थि जो अरस मुबारक है इन अरस मुबारक के मौके मत ईगल टीवी की पूरी टीम हाँ ईगल टीवी की पूरी टीम जो लाखों की सर जमीन मत है जडा जडा ईगल टीवी वही है वा ओलिया इक्रामे की शान में साने ओलिया इक्रामे जो जिक्र करें में अचे तो ताजी इंशाला पा अड़े महान अस्थि के मुकदस दरबार रही हूँ जड़ो कर साई कारा कादू रामतू लाल है साई कारा कादू रामतू लाल है लाखों की सर जमीन मत तो इन गांव जो अग्रसर इन से पा मुलाकात करो आज नालो करो जो नालो रमजान भाई जो को ही महान वली है कामिल लाखों जी सर जमीन मथे इनी जो नालो पर जो अने इनी जो मादरे वतन क्यों है अने किन घराने से जड़ो को ताल्लुक रखे जी इनी जो मातर वत वतन इनी जो आसाली लखपत तालुक हो बराबर पो हते इनी जी जवानी में बचपन में जड़ो जवानी में जते लाखों में ये आया पो वधारे इते हते जिंदगी गुजारे वनी इते जिंदगी गुजारे पोए इन जे पुठिया ये जडण इन जा परिवार के इन जो चे में आयो कि भाई आऊँ उते नहीं हला आऊँ हन टेकरी में रोंदो से ही टेकरी मुके जड़ी पसंद है आऊँ हते रोंदो से ई जटाने पियालो पीदो तटाने पुणी हते अने हते जनी के रखे में आया आई समझा इले इन जा जो को अमुक अमुक मुदे ते जो को इन जा परचा आई ई पर जाहिर नो हो समझो तन इले ई साई कारा का तू इन जो मूर वतन असाली मूर वतन आसालड़ी अने आसालड़ी में जो इन कुटुंब वारा है इन जो भेण है तो उन्हीं से तालुक करो उन्हीं भेण जो नालो करो नालो नालो थो माई मुरादी इन भेण है समझा ये माई भरियाणी जो माई जीजा माँ जो चे में अचे तो कि चौदह जीजा माँ माई तो ये माई मुरादी अने ये सगा भा भेण समझो तन अने ओडा जीजा ना जो को आराम कर सगा भा आई पर वो आसालड़ी जो को है आसालड़ी बई गाल समझाइया कारण के जडे नालो आयो अने ओडा पर महान हस्ती आराम करे जो कारण के जो को कच्छ जी सर जमीन मथे डाडी सुमरी आयो ई डाडी सुमरी जो को है ई अमुक डाडी सुमरी जड़े आसालड़ी में पर आराम करे दियो ई आसालड़ी हु है जो उन आसालड़ी में जा ही महान वली कामिल अची करे अने दीन इस्लाम जी तबलीग कयो अने कच्छ लाखों जी सर जमीन मथे एकड़ो भाईचारो जो को दरेक समाज अची करे अने महान ये कामी जे मुकद्दस दरबार में जा फैज मिलो है जडे फैज मिलो है पर ही जो को जत समाज में जा चंदा त इन विषय असा के कच्ची आवाम के समझाए हां एले हिल में पाजी रीते जो को असाली में जा हते अची अने हते नी पियालो हते पिदो हते इन हयाती इन जी में से जड़ो हते पाजे ही जो को राजा साई जमानो हो राजा साई में खेंगार जी बावे जी आड़ो वाड़ी हटाने विदावा विदावा पोए भला त इन के कले कहे न इंसान है तो बावो इन के पोछे में अचे साई के जे साई आई हेड़ा सोना आयो हेड़ा रूपारा आयो अने आके कारा कोला चे में अचे था समझो था तो पो ई कुरो चे कारा चे में अचे था ई मुके आई मो पोछो एड़ी रीते ई वारा घड़ी है ई कदे कदे बा वारा घड़ी है पोछे कचारी अठ अठ नी बराजे अठ अठ नी मे खेगा जी बावे जे गुडा गुडे विदावा वेराईदावा इन इन एडो इन जो मानो कच्छ धणी जो कोई ई त हकड़ो नी जो भई हाणे जे मुके कारो कोला चे थन पई तप जली जा भला आई तप जली जा आई भज जामो मुके कारो कुला जा ता आवा के बताई मौज तो हणे ते टाने ई इनी वटे एड़ी कारी डोंगी लुड़ी हुई तो ई इंदाने बावे के सामा बैठा खेंगा जी बावे के सामा वही अने हाणे चे नेरी जे डाने ही लुंगी ऊछो जे अख बीच अख बंद कने अख खोल खोले में ता ही इन के जड़ाई कारा कादू ई चे में ता इनी के जड़ी जड़ा जबरदस्त डेठे में आवी ते टाने खेंगा जी बावे ई चे भाई साईं वन रूप में अची वो असानुआ जी दर्शन नती जला कारण के इतनी जलाल में अची गया जलाल में कारण के वली कामिल अमुक अमुक जो को इनके मर्तबो इनके शान को जलाली वेता को साबरीन वेता को निजामी वेता तो ये जड़ो कस जलाली है अने रा खेंगार जी कच्ची सर जमीन जो राजा अने कच्ची सर जमीन जो राजा एटले कच्छ जो धणी अने रा खेंगार जी ई वो ई त जड़ो कर कच्छ जो राजा हो कह वलिए से इनके बेहद मोहब्बत होंगी वही जिनी जिनी वलिए से मोहब्बत होंगी वही उन्हीं वलिए जी बारगाह में विनी करे अने उन्हीं जी महफिल में रा खेगा जी वींदा हुआ अने रा खेगा जी जड़े उन्हीं जी महफिल में वींदा हुआ तो उन्हीं जमाने जा जो को वलिए कामिल हूँ हुआ ई वलिए कामिल इन्हीं से रा खेगा जी से पर मोहब्बत कहींदा हुआ अने रा खेगा जी जो को कच्छ जो राजा ई पर जड़ो कर उन्हीं वलिए से मोहब्बत करे अने उन्हीं महफिल में वींदा हुआ तो वो रा खेगा जी जे जमाने जा वलिए कामिल अने कच्छ जी सर जमीन
मथे लाखों की सरजमीन मथे अड़ी महान हस्ती जड़ो कर आराम करिए साई कारा कादू रामतुलाल इन मुकदस दरबाजी पा जियारत क्यासी अज इन उर्स मुबारक है ये उर्स मुबारक गांव वा मण हिली मिली कर दरेक समाज जहा जड़ो कर मुस्लिम समाज आयर समाज मैसूरी समाज चवाण समाज अने दरेक समाज में अची कर हिंदू समाज में जहा दरेक समाज में अची कर भाईचारो खंभे से खंभो मिलाए कर लाखों की सरजमीन मथे इन उर्स मुबारक के बनाए में अचे तो जो न्याज बने थी इंशाला बारा हल्दी अलग अलग जो मुलाकात कहसी तो ये जो दरगाह शरीफ में अची कर चादर पोसी वही इन चादर पोसी की इन चादर पोसी में पा शामिल थी कर ईगल टीवी की टीम शामिल थी इन बुजुर्ग की पा मुलाकात कड़ासी हाँ इंशाला ईगल टीवी जो प्रोग्राम जारी है पा बारा हली कर अलग अलग जो प्रोग्राम है ईगल टीवी पूरा प्रोग्राम कहती हि महान अस्थी जो मुकदस दरबार की अची कर पा जियारत क्या आयूँ इन मुकदस दरबार के दरबार में अची कर दरेक समाज जहाँ मानवी रूप आई उन्हीं के पर रिक्वेस्ट अने आऊं पर इन्हीं के रिक्वेस्ट करिया तो कहीं मने दुआ मंगो तो एड़ी मंगो पाजे मादरे वतन ला करे पाजे कच्छ ला करे कच्ची सरजमीन मथे प्यार अने मोहब्बत अने भाईचारे जो संदेश हिंदू मुस्लिम दरेक समाज जा अची करे अने खंभे से खंभो मिलाए करे अने एड़े दरबार में अची करे दुआ मंगे अने ही वली कामिल दरेक समाज ला करे प्यार अने मोहब्बत जो संदेश दई करे अने इन्हीं ला करे मिली ला करे आशीर्वाद रूप अने प्यार अने मोहब्बत जो ई पर संदेश दिनो हो ई पर पाला करे हर हमेशा माटे दुआ कंदा रहे अने कच्ची सरजमीन ई सरजमीन है प्यार ने मोहब्बत। अज ईगल टीवी की पूरी टीम जड़ो को लाखों की सरजमीन मथे है अने लाखों की सरजमीन से महान वली कामिल साई कादू कारा रामतुलाल मुकदस दरबार में आयु इन उर्स मुबारक है इन उर्स मुबारक के मौके मथे नजरो नियाज जड़ो को प्रसादी चे नियाज ये प्रसादी जो बनई है ये जो मुख्य दाता है ये जो प्रसादी बनाया हुआ आम जी गाम में हिंदू मुस्लिम तमाम समाज जा जो अग्रसर है ये तमाम में तमाम हिली मिली कर नियाज जड़ो कर इन नियाज की दावत दिनों ने चावड़ा कुटुंब में जा ये जड़ो को नजरो नियाज जो प्रोग्राम बनाया हुए तो चावड़ा कुटुंब ऊँ है कैथी करीब 150-200 वे पहला इन घराने में जा करीब करीब 60 वर की उम्र वही अने 60 वर की उम्र में एक इंसान के जड़ो कर औलाद न वही जैसे औलाद न वही तो दिल की आरजू तमन्ना आई वे हर इंसान की वे थी औलाद क्या मिले कारण कि औलाद हर जगह मथे पुछा कहीं कहीं तलाश कहीं इन वली कामिल की बारगाह में आया तिंता इन वली कामिल जा पीर इन बाजू में वेठल हुआ उन्हीं वे अची कर अर्ज क्यों कि मुझे घर औलाद न 60 वर की उम्र है 60 वर की उम्र जडे है तेरे मुझे घर औलाद न आयु ना करम करो तो इन जहा पीर इन ना चई दिनों तुझे नसीब में औलाद न है तो साई कारा कादू रामतुलाल जलाल में अची वह
अने जलाल में पर कहड़ा आया तड़े उन्हीं जी पीर के चे था कि जड़े इन जी नसीब में औलाद ना है तड़े ही पाँव वटे हली ने आयो है पान ला करे दुआ करूँ तो इनकी इन जी नसीब में औलाद मिलती तो साईं कादू कारा रामतुलाल अड़ी महान हस्ती उन ला करे दुआ क्यों अने सठ वरे पुठिया औलाद मिले ये विचार करी जा हर इंसान की ख्वाहिश ने तमन्ना वे थी इंसान की विह थी वे ते पुठिया पंज वरे डो वरे रही औलाद मिले पर विह थींदा वे उम्र करीब पंजी वर की वे थी सत्यावी वर की वे थी अने पंजी सत्यावी वर उम्र पुठिया इन विह थे अने ते पुठिया सठ वर सूंदे औलाद नवे तो औलाद ला कर हर इंसान तड़फे तो जैसे हर इंसान तड़फे तो तड़े इन बुजुर्ग की छाई में आया बुजुर्ग की बारगाह में आया बुजुर्ग जो कर इन पीर इन मनाई कर दिनों तड़े ई बुजुर्ग जो साई कारा कादू कारा रामतुलाल है इन ला कर दुआ क्यों इन पीर के चो पाजी बारगाह में आयो है पान ला कर दुआ करूँ इनके नसीब में औलाद मिलती जड़े इनके नसीब में औलाद मिले तो ये चावड़ा कुटुंब में जा इन घराने में जा जड़ो कर ही महान वली कामिल जो उर्स मुबारक के मौके मथे अड़ी वही न्याज प्रसादी जड़ो कर ही क्यों तो इन से पा मुलाकात कहसी इन बास इन नालो बुझासी अड़े गाम में जड़ो हिंदू मुसलमान की एकता है इन एकता की जड़े पा मुलाकात करा बाज नालो करो ना हीरा अर्जुन चावड़ा अने ही जो कोई प्रसादी किया आयो अने प्रसादी सजे गांव में हिली मिली करे अने प्यार ने मोहब्बत अने भाईचारे जो संदेश देना आयो ही जो को आमंत्रण देना आयो इन इन बदला ही कुछ चिल्ला मांगो असा हिंदू मुसलमान मरे एक ते ही डाडा वाते असा चावड़ा परिवार के श्रद्धा ही है तो असा वटे डाज वर्षों पहला कोई डाडा असा जो औलाद न हुई औलाद देने हुई असा के तेंदु असा चावड़ा परिवार जा मरे माड़ू असे गांव जा हिंदू मरे माड़ू डाडा के मनियो था अने डाडा असा जा मनोकामना पूर्ण करे था अरे दादा मनोकामना पूरी करिए था पर मनोकामना पूरी करिए था तेजे साथे साथे एक नवीनता आवा के चौंदो वाला कि वली कामिल जे मुकद्दस दरबार में अची ने दिल जी ख्वाहिशू दिल जी तमन्ना रखे था घणे घणे के औलाद मिले थी पर औलाद मिले थी इन खुशी में पेड़े से एडा जूखे में अचे तो अड़ा महान वली कामिल जे मुकद्दस दरबार जी पास जियारत किया सी तो अई जो कोई एकता ने प्यार ने मोहब्बत जो संदेश आम कच्ची प्रजा के अने कच्चो जो भाईचारो है ही लाखों की सरजमीन मथे तो डठे में अचे तो गामो गाम डठे में अचे तो कारण के जडे जडे सूफी संत पीर फकीर औलिया इकराम आया उडा प्यार ने मोहब्बत ने भाईचारे जो संदेश है कारण के संदेश दिनो हो हिंदू मुस्लिम एकता जो संदेश है हिंदू मुस्लिम भाईचारे जी तो ही जो लाखों की सरजमीन मथे अज जो आमंत्रण है इन आमंत्रण के हिंदू मुसलमान तमाम बेरा मिली करे अने ये जो प्रसादी है तो ये प्रसादी केड़ी बनाया आयो असा के अड़ी श्रद्धा थी कि दादा की प्रसादी कहनी है त्रोए भाव मली करी दादा जो खाधे जो मनायो मड़े भाई बेर मड़े भेरा थी दादा की प्रसादी कहंदासी मीठी खारी बोई है खारी बात है नसीरो बनायो मिठी बात अने खारी बात कारण के हिंदू मुसलमान खंभे से खंभो मिलाए करे पा कुंडरिया गांव में नेरिया सी ई महान वली कामिल जे दरबार में नेरिया सी ओडा पर जो को आयर समाज में जाची करे अने जो को प्रसादी बनायो हो हिंदू मुस्लिम बेरा वही करे अने खंभे से खंभो मिलाए ने खादो थे इनके कच्ची एकता के प्यार अने मोहब्बत अने भाईचारो चे में अचे तो तरे पाजी नजर के सामने इनी से पा मुलाकात करा सी अने अना पण इनी के सामने अचोंदा असा जे जो को औलाद थिए थी नंटो बाड़ वे तो जो नालो पण असा एडा दे रहियो त दादा थी अने असा जो को इनजी मनोकामना मान्यो ये असा जी मड़े जी पूरी करे दादा असा के दादा पर पूरो श्रद्धा आई अने असा एकता से मेड़ो उजवियो त इनजा इनजे घर औलाद नसीब जडे थिए तरे ऊप नालो जडे इनके रखलो तरे वली ये कामिल जी बारगाह में आजे अने एडा नो जेनी जो नालो रखे में आजे ते हेडी महान सर वली कामिल जी मुकद्दस दरबार में एकडी श्रद्धा एकडी यकीन एकडो भरोसा अने ऊ भरोसो जड़ो का हिंद दरबार में पूरो थिए कारण के वली कामिल जे दरबार में औलाद की मिले थी अजमेर जी सरजमीन जी दियावा के सामने गाल करिया अजमेर जी सरजमीन ख्वाजा गरीब नवाज जी बारगाह में एकड़ी रजपूत गनाती जी बाई वही अची करे ने अरज के कारण के इनके घर जैसे पेणी ने वही ते पुठिया बारह पंद्रह वरे सूंदे इनके घर औलाद न वही जैसे औलाद न वही तेरे घरवारा मने ताना घरवारा तेरे मने मीरू डेंदा हुआ पर ये पाड़े वारा उनके चौंदा हुआ कि तू अबाग नहीं है तो जो मोह डेंदा सी तो असा जो डी फिट दो ई राजपूत गनाती जी भाई पेंजे घरवारे के चे हलो अजमेर एकड़ो बारगाह है ख्वाजा गरीब नवाज जी बारगाह में हलो दिल जी आरजू पूरी थिए थी ई भाई ख्वाजा गरीब नवाज जी बारगाह में अची करे अने पेंजे घरवारे के न चे एक सवा सौ मण जी देख बनती वही तेरे देख बनती वे तेरे उनमें आग कितनी लगेली वे उनमें पानी कितरो बरदो वे उनमें भात मीठा भात केड़ा बनता वे ऊ जरे बर बरदो पानी ने रे ओकर दल्लो पानी ने रे तेरे बाई दिल जी ख्वाहिश उन पानी के सामने रखी करे ने चे ए अता है रसूल मुझे दिल जी आरजू ने तमन्ना ही है कि मुझे करे औलाद दियो तेन बर बरदी देख में वेजा जरे हेरी ख्वाहिश तमन्ना बारह महीना बोरे थिया इनके करे औलाद नसीब थी जरे औलाद नसीब थी तो भैया छप्पन छखण महीना रही करे पेंजे घरवारे के चे हलो ख्वाजा गरीब नवाज जी बारगाह में मुगे दर्शन करला विनू है तरे ऊ भाई जरे चे इन जो घरवारो चे हलो
दर्शन करे अचो दर्शन करे अने जो घरवारो चे हलो हाने पासा घरे हलो चटाने ना अचे कई देख जो को बने थी इन देख के मुके नेरी नु है कहां के पजे घरवारे की चैन है ता सुखा ही कही है जड़े देख बनती वई उनके नेरे बरबर तो का पानी ओकर तो वो अरे 125 मण जा चोखा बनदा वे ओडा बाण कतरो खपे आई समझी सको था पर जड़े बरबर थी देख एड़ी ओकर तो पानी वो इन वटी बाई पिंजे कलेजे जे टोकर के खणी वई पिंज के मिठियु डई करे अन कलेजे जे टोकरे के देख में फगावे थे जड़े देख में फगाए ए जो घरवारो बेहोश थी वियो खादिम जो को पहलावा ओनी जी लड़ निकली वई तड़े वो खादिम चेता मां कुरो के जाओ किए ना कि जे जी अमानत हो उनके सौंपी है अरे कसम खुदा जी उन बरबर थी देख में जा ख्वाजा गरीब नवाज जो एड़ो कर्म थियो औलाद ई जो सही सलामत बारा निकलो ताता है रसूल जी बारगाह में ही मिली सके तो वलिए जी बारगाह में औलाद मंगाओ तो औलाद मिले था जो को वस्तु मंगवाई मिले थी हिंद दरबार में नती मिले तो नफरत नती मिले हिंदू मुसलमान प्यार ने मोहब्बत के साथ भाईचारे के साथ खंभे से खंभो मिला कर अज बा लाखों जी सर जमीन मथे नेरे रहा आई पाजी नजर के सामने हिंदू समाज जा जो अग्रेसर उबाई ई पाजी नजर के सामने आई हाने जो आगे ही जो को प्यार ने मोहब्बत जो संदेश है जो को भाई भाई मरे दरगाह में इस्लाम भरे रहा आई तो ही जड़ो कर जो को सुखा वे थी जो को मानता वे थी आई मरे हिली मिली ने हलाया था ही जो को पेड़े जी विधि करो इन विषय चो અમારે કાંઈ પણ એવું હોય ને અમારે એમ થાય કે દાદાની માનતા કરવી છે તો અમે કોઈ પણ માનતા કરીએ કે પેડાના બરોબર આવી રીતે પેડા જોખાવશું કે આ કરશું કે તો અમારે બધી કામના પૂરી થાય રહે એના માટે અમે દાદાનું આવું કરીએ છીએ અમને એમાં 100% ફાયદો થાય છે અને આ ગામની વસ્તી કેટલી તમામ સમાજ રહેતી હિન્દુ સમાજ મૈસરી સમાજ આયર સમાજ ચાવડા સમાજ મુસ્લિમ સમાજ 4500 જી વસ્તી વાળો ગામ નિડો ગામ હૈ એનમે જા પાકે સખે જો મિલે તો કચ્છ જી સર જમીન માથે એકતા જી અગર કેડા મિસાલ મિલતી વે તેડે ગામણી મે મિલે થી તેડે ગામ જી પા મુલાકાત કરાસી ઈગલ ટીવી જી પૂરી ટીમ જડો કર લાખોન જી સર જમીન માથે હે અને સૈયદ ઇમામ સાહેબ જે સાથે કેમેરામેન અકુરભાઈ નોડે અનવર હુસૈન ખલીફા ઇન્શાઅલ્લાહ પાજો પ્રોગ્રામ જારી હે ઈ જો કો આજ ઓરસ મુબારક જે મોકે માથે અલગ અલગ પા ઇન્શાઅલ્લાહ પહોંચ ગંદાસી કારણ કે ઓડા નજર નિયાજ બને થી અલગ અલગ જો કો મારું પાજી નજર કે સામે આચીંદા એની જી ઇન્શાઅલ્લાહ પા મુલાકાત ગંદાસી અને અલીબા જો કો ઇન ગામ જા એની સે પા મુલાકાત કરો તાલીબા જો કો ઈ પ્રોગ્રામ આયોજન હે ખંભે સે ખંભો મિલાય કરે કચ્ચી જો કો એકતા હે ઈ હિન ગામ મે જા પાકે મિસાલ મિલે થી તાઈ કચ્ચી એક ભાઈચારે જો સંદેશ કુર ડેલા મંગો असे इन दरगाह जो जो साई वली जो उर्स मना में अचे तो ये पाँच एक छोकरो ये चावड़ो साहब बोलिया इतने इनकी छेड़ा छेड़ी पर ये इतने छोड़िए था हिंदू मुसलमान इन मथे रोज कम से वे तो ये मू इनके सलाम करें पो निकरे तो इन वाली जी अड़ी शान है कच्छ इन लाखों की ना आजू बाजू कच्छ में जहाँ कई मू इन दरगाह से आया है जैके औलाद ना मिलो इनके औलाद मिलो है बाई वाले पहला ही दरगाह जो पढ़ इतने सूंदी हल्द हो त्रेडी हलो त्रेडी सजो काम डिठे हुए इनके पोए असा के मारे खबर पे कि वली इतने कामिल सोता है वो जो अस रमजू लाडा ये मुस्लिम जमात जहाँ पटेल पढ़ी मुझे भाई हाजी साहब ये मारे इन जो पहला अस जत समाज जहाँ प्रमुख पढ़वा रमजू लाडा इन्हीं के इतिहास सजो आके सुनाय कि माई गगिरी जो अना इनकी तुर्बत कित है सिंध में पिंड उत पर असि मेड़ो मानू तक ख्याल असाड़ी न भाई जे पर भाई जे पर इन इन जीजा माँ जो करो है कि हड़क्यो कुत्तो विगड़े सप विगड़े इनकी उतरे गगिरी माँ जो पानी है थदड़ी जो हजारों मारू उनके फायदा थे था अज पर भले नरे कर मारू माई गंगेरी ओडा अज पर कहीं के कुत्तो विगड़े हुए सप विगड़े हुए तो ओडा फैज मिले तो अने ही जो को समाज है जत समाज इनकी अलग गाल कहीं वाला आगे अगर इन्हीं जी बाई बाई जत समाज जा असली लुगड़ा पहरे कर दरगाह में जो को पर दुआ मंगे ई दुआ रद्द न वने दुआ कबूल थिए अड़ी मा ई जत समाज में जा ई जड़ो को जत समाज है जड़ो को वली कामिल जी खिदमत ने सेवा करे रहा आई त अड़े मुकद्दस दरबार साईं कादू कारा राम तुलाले मुकद्दस दरबार जी बा ज़ियारत किया सी अने जो को जो को अग्रसर इन गाम में इंशाल्लाह इन जी पर बा मुलाकात के अंदाज दासी वालेकुम रहमतुल्लाह बरकत ईगल टीवी नाजी ग्राम अलहमदुल्ला ईगल टीवी जी पूरी टीम आज लाखों ग्राम जे में जरा वाली ग्राम जी मजार जी ज़ियारत ला करे नसीब थई अलहमदुल्ला अल्लाह ने रसूल करोड़ो एहसान के अल्लाह पाक पाके अड़े मुकद्दस ज़ियारत जी नसीब फरमा तो अलहमदुल्ला नाजी ग्राम फिलहाल आऊँ अड़ी जगह मत मौजूद आई जहाँ आप जी मजार पढ़ाए ने नज़दीक में जी मस्जिद आलिशान मस्जिद बने लिए आपके हमेशा जै चीज़ से मोहब्बत कहींदा हुए तो वो चीज़ है नमाज अने नमाज जी मस्जिद पे नज़दीक हमेशा आप पे मस्जिद
जे नजदीक जे आराम फरमा जी हमें ओली अग्राम की जात होती नाजी ग्राम आप जी बई करामत के बारे में आऊँ एक व्यक्ति से जैनों नालो है याकूब भाई इन्हीं से मुलाकात कहो से आप एक एक्सीडेंट में जरा आप जी पूरे परिवार के जरा कई अफराद अलग थे हुआ इन्हीं की जबानी इनशाला पास सुमदार थी सौथी पहले याकूब भाई आगे असलम वालेकुम सलाम भाई हाँ जी जिन तारीख जो एक्सीडेंट थो आज फैमिली जो अं ओलिया ग्राम की मजार की जियात कल आया ये थोड़ा वाक्य तमाम नाजिन ग्राम के समय पेश कर 15 नवंबर 2011 जो असा साई कारकादुर रहमतुल्ला की बारगाह में जरा उर्स मुबारक मत आया एडा प्रोग्राम जी तकरीब जो पूरा थे अस पाचा रिटर्न व्यास रस्ते में असो एक्सीडेंट थो इनमें चार मारू अस एक्सपर्ट थी उन जगह से मुख्य पिंडकी लगो उन मुझी घरवारी कोमा में हली हुई 2.5 महीने जो अखियो खोली हुई 7.5 महीने वली अल्लाह की वारगाह में असं कोठी आयासी इन की पुठिया मुझी घरवारी की जिबान खुली है इनशाला अल्लाह जहा करम में अहमदाबाद की राजकोट की नीरू सजन स्पेशल आया हुआ इन्हें असा ना कर दिनों कि कोई डी सुधी इन मू जो भविष्य में जरा होश में अची सके अड़ी सकेता ना अने बोली उथी सके हली सके अड़ी कोई सकी ना इन वली अल्लाह की बारगाह में असं आयासी इन की रहमो करम से अल्लाह की बारगाह में जानी दात फैलाए दुआ मंगी असा ला कर अज अल्लाह जहा करम में मुझी घरवारी हली फिरी सके थी अने वधारे में तय दिल से मुबारकबाद दी दाँ वा मुस्लिम जमात अने हेडा जी आयल समाज जिन समाज जहाँ एडा उबेल आने जो उर्स बेरो संपी ने मल्हे था इनके तय दिल से मुबारकबादी दियां तो अने जिन कौम ज हिंदू मुस्लिम इन प्रकरण की न्याज बनी वली तो बारगाह से चढ़े थी ये मुबारकबादी आऊँ दियां तो जवाब माशाला याकूब भाई अलहमदुल्ला बेहतर ही एक अल्फाज उपयोग किया कि हमेशा पाँचे कच्छ की मामूल रो है कि कच्छ में जरा तमाम तमाम हिंदू मुस्लिम भा बिरादर मिली करें पर ये कारा कादू रहमतुल्ला अलैह की बारगाह तो है जिते फक्त लाखों न बाकी लाखों आजू बाजू जहाँ गामड़ा पण मड़े आप जी फैज हासिल करिए तारी दरगाह में जाती अलहमदुल्ला पण आई फिलहाल आज कम के सिलसिले में केड़ा आयो असी जुरा जुरा जतवांडा हां आज मुझी बहन यानी आज घर थी ई पण ओड़ो घरे जी घर हमारे साथ जा बराबर ए एक्सीडेंट के बाद कितो टाइम रही नहीं बराबर थे मैं ओचे कम से कम डेढ़ वर बस आप जी मजार मते आई कोठे आया हां एडा 7 महीने 8 महीने कोठे थी ते पुठे बोल दी थी इन ती अगे खाली 2.5 महीने अखियों खोली हुई बाकी बेओ की नो 3 महीने तो खाली कोमा में जी को डिस्पोजल न जो माशाल्लाह अल्लाह पाक एड़े तमाम तमाम मरीज के औलिया इकराम जी सदके ने वसीले से नी के फैज अता फरमाए अने जो को पर दुनिया जे में जडा जडा में औलिया इकराम जो फैज गंदा रेड़ी पाजी दुआ साथे नाजी ग्राम फिलहाल पाजो ईगल टीवी जो जो को मौजू है अने सफर है जारी है इंशाल्लाह और मजीद और इन औलिया इकराम जी मजारात जी औलिया इकराम जी एतराब जो इंशाल्लाह मजीद और वीडियो गंदासी ईगल टीवी टीम जे साथ सैयद इमाम शाह कैमरामैन अकबर भाई नोड़े अनुर भाई संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स और अनुर भाई सुमरा साथ अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन आज ईगल टीवी की पूरी टीम जड़ो कर लाखों की सर जमीन मथे महान वली कामिल जी उर्स मुबारक के मौके मथे जडे अड़ी मुलाकात में गड़ा आयो तेन गाम जहाँ जो अग्रसर आई इन्हीं से पा इंशाला मुलाकात करो तेजे साथे साथे जो गाम जहाँ अग्रणी आई हिंदू समाज में अची कर नजरों न्याज बनाए रहा आई प्रसादी बनाए रहा आई इन्हीं से पर इंशाला पा मुलाकात कंदी सौथी पहले लाखों की सुनतल जमात जहाँ जो अग्रसर आई मैं नालो करो जत हाजी मोहम्मद इस्माइल अने ये जो को आज साथे साथे जो को हुई जिन 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 समाज में जाई ये आगे ई केड़ो सपोर्ट मिली रियो है असा के एतलो सपोर्ट मिले तो पांजा बा तान वताई पण ही नता वताई अने पांजा बा इन इन के अकल करी पाके खींच बे पर ई न वताई काल जी तारीख में लोडर जीसीबी किए पण कम में चे ता असा के आई हकल करी जा डाडे जी छत भरणी में अगली साल खाली इन के आवाज दनु भाई असा के अजे चे ता के हेडा न आसाली जो को दरगाह है एडा जो खाड़ो फेड़ो अचे असा के चोजा असी हलदासी अने खवे में खवो मिले अने कौम अज की तारीख में उबी है कदें पर इनकार ना है कि कारीदा अचो अने अड़ो ना दरगाह लगन हुए पर भाईचारे से असाजे गाम के अंदर में ये पुलिस अचे न पुलिस के पर अचे की मना ही है कि भाई इन गाम में आके मना ही है इनको कारण के वेड़ कची होना है असी भाईचारे से मारे हलो तो गुड़ भी वे साई जो मेड़ो वे पाँचा ताजिया वे हर कोई मेड़ो वे हर कोई त्योहार वे इनमें बाकी जा कि असा अली मामन ये हाजी असा रमजू भाई अली मोहम्मद जत इब्राहिम भाई अई सदीक भाई ये असा मड़े भा हूँ असी सजी पांखड़ी है अस भाई जी हूँ इन गाम में जो को जत वसों था इनमें बया नहीं मड़े अस पिंड अंगत भा हूँ अने इन जो असो परिवार है
ये मारे भाई भाईचारी के जो भाई कोई जाति किरण का बुक न इन जडे कारी रा चोकल करे हक में कारी रा चोकल करे तैयार है का के कच्ची मिसाल जी है कच्ची हर गांव में नेर लागलो तो प्यार और मोहब्बत ने भाईचारो है हिंदू मुस्लिम एकता जी की मिसाल है ये मिसाल है जो कारण ईज है के सूफी संत पीर फकीर अची करे अने कच्छ जी सर जमीन के उजागर क्यों होयो अने उजागर ता क्यों होयो तिन जमाने में जोको जोको बुजुर्गा ने दीन औलिया इकराम आया अने हाजी भी राम तुला ले अची करे अने कच्छ जी सर जमीन के प्यार अने मोहब्बत भाईचारो अने हिंदू मुसलमान के खंभे से खंभो मिलाए करे अने ई प्यार अने मोहब्बत दनो कारण के सहनशाह कच्छ हाजी भी राम तुला ले नरे गांव में बुढ़िया डूसी के ब्राह्मण पंडित डूसी मां के जड़ो कर उन्हीं जी गौ के बचाए करे अने एकड़ी एकता जी मिसाल शहनशाह कच्छ हाजी भी राम तुला ले देनो तड़े पान गांव से जो अग्रसर रही हिंदू समाज में अची करे अने ई जो नजरो न्याज बनाए रहा है इन्हीं जी पा मुलाकात करो कि नजरो न्याज केड़ी रीत से बनाए रहा है बाहर जो नालो करो मारो नाम समझी राम समझी भाई आज ही आपने करी रहा छे अने हिंदू मुसलमान तमे तमामे तमाम साथे खंभा थी खंभो मिलावी करे अने पीर ओलिया इकराम ना बारगाह मा उर्स मुबारक ना मौका ऊपर जे आपने नजरो न्याज बनावी रहा छे के प्रसादी बनावी रहा छे ई जे बनी जे केवी रीते बनी जे એટલે આ બધા ભેરા ભાઈચારો કરી બધા ભેરા પ્રસાદ લઈ ભેરા ખાઈ રહ્યા એમ હિન્દુ મુસલમાન બધા એમ અને આજે આપણો સ્ટાફ છે જે રસોઈ બનાવવા વાળા છે કે અલગ અલગ સ્ટાફ છે ટોટલ સ્ટાફ આપણો કેટલો એટલે બધા ભેરા જાય બધા ભેરા બનાવવા મને હિન્દુ મુસલમાન તમામે તમામ આપણે સાથે છીએ તેના વિશે આપણી કચ્છી કચ્છની આવામ ને અને કચ્છના ભાઈચારા ની કચ્છનો શું સંદેશ આપો છો કે કચ્છની એકતા ની અને કચ્છ ભાઈચારા ની જે કચ્છમાં માણસોને ખબર પડે કે નાના ગામોમાં આટલો પ્યાર અને મોહબ્બત આટલો ભાઈચારો છે તો તમારા કને કેમ નથી બધા અમે એકતા થઈને રહી છીએ અને ભાઈચારાને હિસાબ રહી છીએ અને બધા ભેગા થઈને કાર્ય કરી છે અને હી જરૂર ગૌ સેવા સમિતિ જા પ્રમુખ હઈ જ્યારે ગૌ સેવા સમિતિ જા પ્રમુખ પાછી નજર કે સામે ત્યારે ખંભે સે ખંભો મિલાય મિલાય કરે અને લાખોન જી સર જમીન માંથી હેરા વલીએ કામિલ જી બારગાહ મેં અચી કરે અને ખંભે સે ખંભો મિલાય રહે અને પાછી નજર કે સામે હી મને સાંભળે તેમ છેલ્લા ઘણા 30 વર્ષથી મારા જન્મથી પહેલા પણ આ સાંઈનો મેળા માટે હિન્દુ મુસ્લિમ કોલી સમાજ બધા સંયુક્તમાં પ્રસાદી લે છે એમાં બહુ ભાઈચારાનું પ્રમાણ વધારે રહ્યું છે ઘણા વર્ષોથી આ મેળામાં લાખોંદના આહિર સમાજ કોલી સમાજ મુસલમાન સમાજ બધા સંયુક્તમાં ભોજન લે છે ને શારીરિક આર્થિક રીતે પણ બરાબર ફંડ ફાળાની રીતે બધી વ્યવસ્થાની રીતે સપોર્ટ આપે છે વર્ષોથી જેવો કે ત્રિવરે થઈ ગયા વર્ષોથી જેવો કે એ નજરો ન્યાજ બને પ્રસાદી બને ગામવાળા ભેરા આચી કરે ખંભે સે ખંભો મિલાય કરે અને પ્રસાદી કે જોકો એકતા જોકો રૂપ લેતા એ એની સંભળાકાર કરનો ભાઈ આજે નાલો મોય નો કેણો કેણો ભાઈ કેણા ભાઈ જોકો હી જોકો એકતા જી એકની મિસાલ હે કચ્ચી આવામ લા કરે અને કચ્ચી સર લાખોન જી સર જમીન મે જા હી જોકો એકતા જોકો મિસાલ માંગે દેઠે મે આજે રુજુન દેઠે મે આચે દો કારણ કે પ્રસાદી હે ન્યાજ ચોદ ન્યાજ પ્રસાદી ચોદ પ્રસાદી મીઠી અને ખારી પણ હે સાથે મિલી કરે અને કોમી એકતા જી એકની ઝલક જોકો આજે લાખોદ ગામ મે આસા કે દેઠે મે આવી હે એડી જોકો ગામો ગામ દેઠે મે આજે ઇનલા કરે કો સંદેશ દો અસા જે ગામ મે સાહેબ એડો જાય મળે ભાઈચારો એકદમ गमे ही प्रसाद गमे ही वे साई दादा जो वे असो को त्यौहार कोई हिंदू मुस्लिम जो अड़ो आज ना कोई पण जात जो तमामे तमाम प्रसंग इन गांव में जोको जोको थींदा ने ई तमामे तमाम मियां वे शादी प्रसंग वे खुशी जो प्रसंग वे कोई पर प्रसंग वे उर्स जो मौको वे गमे अड़ो प्रसंग वे गरबी वे गमे ही वे हिंदू मुसलमान तमामे तमाम बेरा रही करे प्यार ने मोहब्बत के साथे भाईचारे जो संदेश इन गांव में मिले तो बाज नालो करो अरविंद भा अरविंद भाई असी हेडा साई जो मेड़ो वे तदे साजी जो हिंदू मुसलमान मळे गाम लाखोन गाम मळे सापी ने प्रसाद गनो था अने बहु मजा अचे थी असा के असा लगभग मुके 300 वर थे असी नेरियो था के असा जा बाप दादा नु हिनी परंपरा हली अचे थी अने असी इन के जाळवी रख्यो हियो અને મળે સંપી અને એડા પ્રસાદ ગણો તા સાંજી ગયો કારણ કે માઈત્રે થી છે ઈ છે હી એની જો છે જો મતલબ હી હે કે માઈત્રે જી જો કો સીખ હે ઉનકે અસી અજ પણ અમલ કર્યો તા આ કચ્ચી આવામ કે ઈ ચાતો કે આજ થી ત્રી પાત્રી વરે પહેલા કચ્છ જા જો કો પાજા માઈતર વા પાજા વડીલ વા પાકે એકડી સીખ દીંદા વા કે ખંભે સે ખંભો મિલા કરે કચ્ચી આવામ કે બતાયો ઉ સંદેશો માઈત્રે જો અજ પણ ભૂલી વ્યા આયો કારણ કે આજ વોટ્સએપ અજ મોબાઈલ ચાલુ હોય પાજે ઘરો ઘર પાજે ઘર મે એકકડે ઘર મે પંચ પંચ ડોડો મોબાઈલ વેતા ઉની મથે પાજો ધ્યાન વેતો માઈત્રે જી ગાલી કે અમુક સાઈડે મે રખી કરે અને માઈત્રે
पाके बोली करे अने उन्हीं माथे पा ध्यान दियो था तदे पाके वाद विवाद पैदा थिए तो ही जड़ को पाके सिखाइए था कासी माइत्रे जी गाली की अमल करे अने कच्ची आवाम के बतायूं था कि लाखों जी सर जमीन मथे प्यार अने मोहब्बत अने भाईचारे जो संदेश है तेरे मान वली कामिल जो मुकद्दस दरबार में अची करे पाके एटलो सिखे जो मिले तो कि प्यार अने मोहब्बत अने भाईचारो की है बाजो नालो ईगल टीवी जो माध्यम थी मिनी ठिकाने पुजी सके कारण के ईगल टीवी कच्ची खूणा खाने पुजती यूट्यूब त पूरे वर्ल्ड माथे पुजती तो पूरी दुनिया के बतायो अड़ो संदेश दियो एकता जो जो मिसाल लाखों की सर जमीन मथे है इस लाखों की सर जमीन मथा पूरे वर्ल्ड में फैला जे इनमें अड़ो है कि एवर नी जो लोग जो वे हिंगलाज हिंगलाज थी आया ई प्रसाद ही सो गांव बेरो वही मैंने खाती हुई जमे आवाजी तो अज की तारीख में कोईपण प्रोग्राम के कोईपण वीह वधाणू मड़े समाज बीर हुई ने खेती मड़े तो इन ओलिया जो थी अज की तारीख में नी वाड़ी में कें वस्तु थी पहले कें पहले तो ओलिया चढ़ल अचे गोव इन खीर पे ओलिया अचे इन गाम में एतरी एकता हले थी वेचण पे कहीं गाम में कोईपण प्रोग्राम वे कोईपण शादी गमी वे कोईपण माता जी जो वे तो मड़े समाज बीरी हुई ने खियो था अज की तारीख सुधी हेडा पाके बो सिखे जो मिले तो कारण के गोव मियाँ जे तो पहले खीर जड़ को दरगाह में अचे पोए गौ जो खीर विके जो चालू करिए अगर खेती क्यों हो तो खेती में जा बूतड़ी निकरे दाई निकरे गेहूं निकरे बाजर निकरे मूंग निकरे जुको पर वस्तु निकरती वे पहले दरगाह शरीफ में अचे अने पोए पेंजे घर में वने तो ये एकड़ी एकता जी मिसाल अगर वियां थे आई तो छेड़ा छेड़ी पेन दरगाह में उतरती वे तो अड़े महान वली कामिल जे मुकद्दस दरबार में पायूं लाखों की सर जमीन मथे ही कच्ची आवाम के बताए जी एकड़ी कोशिश है कि प्यार अने मोहब्बत अगर आके खपदो है तो अचो लाखों की सर जमीन मथा सिखो तो हिंदू मुसलमान खंभे से खंभो मिलाए करे ने हेड़ो उर्स मनाए रहा है तो अड़े उर्स मुबारक के मौके मथे बुजुर्गान दीन औलिया इकराम के मुकद्दस दरबार में ईगल टीवी की टीम आई है हाँ पा जो मुलाकात करूँ था ये आले रसूल के घराने में जा अने आले रसूल के घराने में जा ही जो बुजुर्गान दीन औलिया इकराम इन की खिदमत करिए था इन की सेवा करिए था तो ये आले रसूल जो घरानो है जो सखी घरानो है इन घराने में जा आले रसूल पाजी नजर के सामने हुई साईं जो नालो अनवर सभाव अनवर सभाव जो कहीं खिदमत कर रहा हो अने आजी ने मुझी दोस्ती कारण के घने वाले पहला मुझे साथे बुजुर्गान दीन औलिया इकराम जे हिंदुस्तान जे सफर मथे दिल्ली आगरा बरेली शरीफ जी सफर मथे अई हलया हुआ मुझे साथे 2004 में कारण के ऊ सफर अई याद क्या हुंदा औलिया इकराम बुजुर्गान दीन औलिया इकराम हर जगह मथे जडा जडा पा व्यासी उन्हीं मुकद्दस दरबार में तमाम तमाम हर जगह मथे हिंदू मुसलमान मणे उन बुजुर्गान दीन औलिया इकराम के दरबार में मंगेला वेने था कारण के वो मिसाल है कारण के वो प्यार अने मोहब्बत जो संदेश है कारण के औलिया इकराम के दरबार में हर वस्तु मिले थी अने हर वस्तु मिले थी तो गिनतल खपे था अने गिनतल खपे था तो हिंदू मुसलमान उन्हीं दरबार में पर मंगे था आवटे पर अचे था इन मुकद्दस दरबार में मंगेला करे तो इन विषय जो कच्ची आवाम के बतायो कि अड़े महान वली कामिल के मुकद्दस दरबार में अई जो खिदमत कर रहा हो आले रसूल के घराने में जो तो ये जो कड़ी रीस खिदमत मुख्य अज 14 वारे थे लाखों सर जमीन मथे अलहमदुल्ला इतने हर कौम जो मारू अचन था मेरे मोहब्बत से बोलाई था अजा सुधी हर हिंदू मुसलमान मेरे मोहब्बत से इज्जत से बोलाई था तो कई बीमार सीमार पर इतने अचन था कें खबे बीमारी कें औलाद खब इन दरगाह औलाद मिले तो कोई बीमारी इनके बीमारी के ना शिफा मिले थी ये शानदार वाली इन की जाम करामतू भी नहीं अलहमदुल्ला इन नजर में मुख्य पर जाम करामत हेठ में आई हर मुसीबत वा अचंदा इन नाम से खाक दई तू इन में अल्लाह के हुकुम से शिफा दई थी वे ये एकदम शानदार दरबार है ने हिंदू मुसलमान हमेशा एकता से साथ ये औरस पाक मनाए में अचे तो अड़ो उर्स मुबारक बनाए में अचे तो कारण के जो बीमारी हुए थी ये दूर थे इन चौगान की अगर मिट्टी यहीं लगा दियो तो 100% के सिफा मिलती कारण के अड़ा महान वली कामिल अने अड़ा महान वली कामिल कारण के पिंजी जिंदगी में हर इंसान के इंसानियत जो संदेश दिनों हो पिंजी जिंदगी में अची करे अने प्यार अने मोहब्बत जो संदेश दिनों हो तदे जनी ये दरबार में अगर कहीं बीमारी हुए कहीं तकलीफ हुए तो इन दरबार जी खाक लगाए गनो इंशाल्लाह के सिफा मिलती अड़े मुकद्दस दरबार में जो साईं पाजी नजर के सामने आया ये पाके जो इन करामत विषय समझाया और बे औलाद अचे तो एडा राजी थी वे अने जो दिल की तमन्नाओं खड़ी अचे इन तमन्नाओं पूरी थिए तो अड़े महान वली कामिल के मुकद्दस दरबार में आयासी सब आज नालो इस्माइल जत हां ई काम जत पटेल आयो ना पटेल भाई आसा जो काम कम में आयो कम में ट्रेन नंबर में ही है भाई कम में आयो भाई भाई जड़ो कोई नजरो न्याज में मिनी ठिकाने ले जे मेरे मारे पा गयो बड़े कम काज में कयो मेन कयो था
जो खंभे से खंभों मिलाए कर नजरों न्याज कर रहा है तो अड़े महान वली कामिल के मुकदस दरबार में पायासी अड़ी महान अस्थी आई तो अड़े मुकदस दरबार में इंशाल्लाह पा मुलाकात कराई पाजी नजर के सामने इन गाम जा जागरणी पाजी नजर के सामने पाजो नालो जत मोहम्मद सलीम सुलेमान बदारी गोरखा जे हां अने ही जो को नजरो न्याज थई रही है हिंदू मुसलमान माने भेरा हिली मिली करे अने जो को आयोजन करे रहा हो त इन विषय ही कच्ची आवाम के कुर चेला मांगा हां ही मुझे दिल से अने तह दिल से चोंदो से क बहु बड़ी खुशी जी गाल है क इन नंडड़े एकड़े लाखों गाम जे अंदर जो को इन हिंदू मुस्लिम सर्वे भाई मणे जो को एकता से जो को आज जश्न मनाए रहा है तो यही एकड़ी नंडड़ी एकड़ी समझी कि नो ई जमात ई समाज ई एकड़ो बहुत वड़ो कम कर रहा है जो को आज इन लाखों गाम बे गाम है कि समझा रही है क एकता एकता जो हूँ गाम में तो गाम मजबूत होंद अने घर के अंदर एकता हूँ घर मजबूत होंद अने अग्या वेंदे ने जो देश के अंदर एकता होंगी तो ये देश मजबूत होंद देश के टुकड़ा टुकड़ा थे पे हों तो देश अग्या बे देश से में कें लड़ी सकद तो हिटाने ही मिसाल ये जो राज्य हिटाने जो एकता में थी हो तो सजो राज्य बरूक हो तो हिटाने ही जो कम थी रो है बहुत खुशी की गाल है अने सदा इन गाम के अंदर अने सदा इन देश के अंदर भाईचारो रहे अने एकता रहे ये मुझी तहे दिल से दुआ है अने इन वली जी नजर करम से इन जो बड़ी संदेश है प्यार अने मोहब्बत जो संदेश भाईचारे जो संदेश जड़े भाईचारे जो संदेश कान के इन वली जी बारगाह में मिले तो जिन जिन वली कामिल जी बारगाह में हाजिरी दूँ था ओडा तमाम ही तमाम मिणी ज्ञाती जहाँ भा भेरा रही कर उन दरबार की जियारत करिए अने दर्शन करिए था कारण उन्हीं के फैज मिले तो फैज को लाए मिल दो वे कारण के वली कामिल पेंजी हयाती जिंदगी जिन रीसे बसर क्यों हो उन रीसे जो को पाके सिखे जो मिले तो हेड़ी महान वली कामिल जो मुकद्दस दरबार में आयासी ये गौ लाखों गाम जी गौ समिति जागला प्रमुख पाजी नजर के सामने कृष्ण भाई तो कृष्ण भाई पाजे कच्ची आवाम ला करे जो को संदेश दींदा हुआ कहो संदेश भाऊ भाई हम मेड़ो बनाई रहा आम भाई भाई भाईचारा थी बद मेड़ो बनाई रहा बजे सुख शांति थे बस भाईचारे जो संदेश पा जिनी जिनी गामे में व्यासी कारण की ईगल टीवी की टीम जिन जिन गाम में व्यासी उन्हीं गाम में से जड़ा जड़ा पा मुलाकात कियासी हेवर चार डी अग्या पोलड़िया की सर जमीन में थे वासी ओडा पर पाजी नजर के सामने दरबार अची कर बाकी उठी दिनों कारण के इतले ला करे एकता की मिसाल तेनु मोर पा कुंडलिया जी गाम मत कुंडलिया गाम में वासी कुंडलिया गाम में हिंदू समाज में अची करे अने एकड़ी प्रसादी न्याज बनाया हो हिंदू समाज भेरो रही करे खंभे से खंभो मिलाए करे अने उन न्याज के सपोर्ट दिनो अने उ मुखे दाता पड़वा ते सिवा पा कांडाकड़ा जी सर जमीन मथे व्यासी ओडा पर पाके हिंदू मुसलमान तमाम साथे रहा गोंदियारी जी सर जमीन मथे व्यासी ओडा पर हिंदू मुसलमान भेरा रही करे बाकी आवकार ते सिवा गठशीसा जी सरजमीन मथे व्यासी गठशीसा जी सरजमीन मथे जारेवाड़ा पीर रामतुलाल जी बारगाह में ओडा पर हिंदू समाज में अची कर जड़ो को रोजे जी इफ्तारी जी पार्टी दिनो तो हर गाम में जड़ो कर ई प्यार ने मोहब्बत जो संदेश हो तो पाजी नजर के सामने धना भाई से मुलाकात करना था जड़ो कर गात्राल माता जी या भोपा है पाजी नजर के सामने अने इनी के इनी से मुलाकात करनो बांज नालो धनजी भाई धनजी भाई धनजी भाई आज प्रोग्राम आप थी रो अलिया इकराम शान में जे आ जश्न है नजरो न्याज है प्यार ने मोहब्बत एक संदेश है एना विषय कच्छ की आवाम ने तब शू कहो भाई आ लाखों गाम है ने आ जत के आयर के जे समाज है बधी कायम अँ मीठू कड़ाइय थाय प्रसादी थाय हर वर्षे बदा आयर अँ भेगा बे दर्शन करवा आवे बदा वर्षो थी आ परंपरा हली आए अमार अने गमे एनो प्रसंग हो कि अमारो प्रसंग हो बदा भेगा बेही खाए अने भाईचारा ने रही है बधाय अने लगन प्रसंग में एना में हो तो अमरा में हो गमे तेम हो एना बधे में भेगा अमे बेही ने खाई है बराबर खुशी जो प्रसंग ने भेरा वही ने के तमाम तमाम गाम वाला अने साजी जे टाइम में कच्छी जो को मेड़ा हो चवा जिन ई मेड़ा हो पण हेडा थिंदो वे हेड़े गाम में जणो के कच्छी मेड़ा हो अने जुनु जैं जो गाम जो एक रंग चवाजे अने प्यार अने मोहब्बत जो संदेश चवाजे उ कच्छी मेड़ा हो अज थी पंजा वरे पहला चाली वरे पहला गामड़ी में डिसा तो वो इन्हीं गामे में अज पर डिसाजे तो ई मेड़ा हो पाजी पूरी कच्ची आवाम ला करे एक संदेश है कि इन्हीं गामे में मिले तो ई संदेश पान लाखों गाम में जा पाके सिखे जो मिले है अने ईगल टीवी की पूरी टीम सैयद इमाम साजे साथे कैमरा मैन अकबर भाई नौड़े अने कैमरा मैन अनवर भाई सुमरा जे साथे संजरी टूर सेंटर अनवर भाई खलीफा जी नजर के सामने इंशाल्लाह अना पांजो प्रोग्राम जारी है ईगल टीवी नाजीग्राम फिलहाल ईगल टीवी की टीम लाखों गाम की मुलाकात करी लाखों गाम जे मदरसो
ठीक है मदरसो चवाजे जे मैंने बच्चा तुलबा तालीम गने दीनी तालीम गने स्कूल जैमें जरा दुनियावी तालीम गन बच्चा स्कूल जहाँ पढ़ाई साथ तुलबा मदरसे जहाँ तुलबा पढ़ाई मणे मिक्स है इंशाल्लाह इन मिणी वेटा वक्फा वक्फा मौको गंदा रोंदासी सौथी पहला बच्चियों की मुलाकात गंदा बेटा सौथी पहला जो नालो करो है अस्सलाम वालेकुम मोइना जत रुक्साना सलीम बेटा लाखन मेती लाखन गाम जी में आई बेटा मोइना जत सब नवी प्राइम है आवा साथे गाम में रोंता जत रेहाना है नार पर रोंता मोइना जत समरी ने बेटा पढ़ो ताने नालो जत सलमा माशाल्लाह अले तो आ गया माइक नहीं करो अले नहीं ठीक है जत रुक्साना जत सिफा खलीफा रचिना ये किना किना जो अलग अलग काम जत तैबा सैयद अल्फाना जत अक्सा जत रूही जत महिर अली मामा जत निसाज कासिम मैंने ना जत साइदा इब्राहिम में लाखन गम आले बेद घराने में जाती तुलबा सैयदा सैयदा अल्फाना मां मुझे बाजू में अलहमदुल्ला आ हमेशा ईगल टीवी ते चोंदो रा तो ईगल टीवी ते आले बेद खानदान में जिंटाने जिंटाने कॉल आ चंदा जिंटाने खरे खर चोत मुजी रुआ डी उबी थींदी उन बच्चे जो आले बेद खानदान जो बेशुक्र गुजारी के हमेशा ईगल टीवी के याद कंदो आज एड़ी बच्ची लाखोंद गाम जे में जरा जे साथे मुलाकात थई अलहमदुल्ला खुश नसीब है के ईगल टीवी जे साथे ओले अकरम जे बारगाह जे में जरा आले बेद खानदान में जदे एकड़ी फर्ज जो मुलाकात थई इन बच्ची जो मुलाकात थई अलहमदुल्ला इन बच्ची वटानी तमाम वटानी नात पण समात कंदा सी साथे साथे पाजी मुजी बाजू में टीम वेठी है एकड़ी जबरदस्त टीम है भारत जी टीम जो इरादो रखें था भारत जी टीम बन दी इंशाल्लाह भारत लगा रहे क्रिकेट रमदा इंशाल्लाह पा देश लगा रहे क्रिकेट रमदा सी हाँ सौथी पहला मुझे बाजू में एकड़ो माड़ू एकड़ो अड़ो वटो है नंडो नंडो और नंडे बच्चे की पा मुलाकात करता सौथी पहला बेटा जो नालो करो है जता है आज अरे बेटा किधर होता लाखों गाम अरे लाखों गाम ईगल टीवी है नेरो तो ईगल टीवी हां अच्छा कितना टाइम था भाई मुक्के ने का अच्छा आई खलीफा यासीन जुसेफ भाई लाखन जाई खलीफा अरब लाखन जाई जत अनीस जाकब लाखन जाई अस्सलाम वालेकुम सैयद मोहम्मद जुनैद लाखन अल्लाह अस्सलाम वालेकुम सैयद अलबस उमर सदी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू जत अजीज अहमद गांव नारायणपुर ठीक है आम जाती एकड़ा बच्चा नंडा आले बैत खानदान उन्हीं से हम गुजारिश करिया कि मुझे बाजू में अची वने अल्हम्दुलिल्लाह डाले जो बाबू नाजिक राम फरी दोबारा मुझे बाजू में पकड़ा आले बैद खानदान जहाँ फर्द आई इन्हीं के पर मुबारकबाद भेज के तो उन्हें साथ साथ हथ मिलाए तो रात पुण जमा धोखला करें कि आले बैद खानदान में जी नस्बत रखें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक तमाम तमाम आले बैद खानदान के सलामत रखे इंशाअल्लाह बच्ची वटानी बेटा नात खां के रे आम जाती माशाल्लाह हर मोमिन मुसलमान नात खां हुणो खपे हर माण्हू जो हथ उचो थीणो खपे तमाम में जाती अॼु मेन नात के पढ़ंदो अल्हम्दुलिल्लाह नाजिक राम के चवंदो हलां कि बच्चे के पण मुझे बाजू में फ़र्ज़ जो पहला वेठा ही आले बैत खानदान जी इन सौथी पहला आले बैत खानदान जो आले बैत खानदान जे में जरा मजलिस में पाँव तो बाबा पाँच बो नान खटे मिले दी कौन मिले दी बो नान खटे सही अत कोला करे सही अत एतरे ला करे सही दे मथे हक करो रहे तो वधारे में वधारे ऊ कि जो पाँजा पाँजे साथ जो मोहब्बत करे वारा वा उन्हीं के पास सलाह सुचन दियूँ साथ पाँ पर नेकी करूँ और उन्हीं के पर नेकी की दावत दियूँ ये एतरे ला करे पाँ मथे डबल हक है कि तमाम मानू है कि उन्हीं के पाँ आले बैत खानदान मथे कि हक है कि उन्हीं के पा समझाऊँ और नेक राह मथे कोठे अचो एतरे ला करे पाँ के बो मान पाँ मथे डबल वजन पर पाँ मथे डबल वजन है ठीक है इंशाल्लाह आले बैत खानदान में जाती सौथी पहला बच्ची है इन से मुलाकात कर एक कलाम शामिल करना है यानी ना तकड़ी पर मुझे समात करनी बेटा कई नात पढ़ता माशाल्लाह नूर वाला आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जात सराप आए नूर है ने नूर वाला आया इन कलाम जा चंदा शार यानी एकड़ो बो अशार पढ़ो बिस्मिल्लाह करें तमाम तमाम साथी मड़े पढ़े तो मजा आ जाए ठीक है नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम देखे तो कैसा
फूल छाया है, अस्सला तू अस्सलाम नहीं गया रसूल अल्लाह, अस्सला तू अस्सलाम नहीं गया अभी पल्ला चांद तारों को मिलाने जब तरफ जाएंगे जब तरफ जस्तों से तुम बनाते जाएंगे नूर वाला आया है लेकर आया है सारे आलम देखे देखो कैसा उड़छाया है माशाल्लाह। बेटा अजी और के तमल लग छोकरे में जदियाने छोकरे वालों केर पर तो ना ना अजी अजी अरे यार एकड़ो कलाम तो शाम अरे हकड़ी गड़ी यार थई हकड़ी गड़ी कहियो के कलाम है क्यों कला माशाल्लाह मुके बेहद पसंद है ई कलाम मुके बेहद पसंद है ई कलाम बोर ऊंचो उमदा कलाम है जें जें अशआर बहुत पसंदीदा मीठा हुआ ऊंचा अल्फाजी में जरा कि खुश रवि अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी हम फकीरों की मदीने की गली अच्छी लगी अल्हम्दुलिल्लाह उई मदीने जी हाजरी ला करे तमाम तमाम आबा बेवर जो मदीने जी हाजरी कोई फिजा मदीने जी फिजा में को मक्के जी फिजा में इंशाल्लाह हजवार अडी चालू है बेटा वो कलाम जा एकड़ो अशआर पढ़ी छड़े क्यों खुश रहिए अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह उस रवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी उस रवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी उस रवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी मैं जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर मैं जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर सबसे गुंबद की मुझे तो रोशनी अच्छी लगी उस रवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पढ़ना सलाम पढ़ना हर एक पल उनका नाम पढ़ना ज़ोर से करना उन्हीं से करना सिखाया रब ने हमें यही है सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बारगाह जे में जरा दुरूद शरीफ पढ़या सी माशाल्लाह हाने नात केर पढ़ दो आए को नात को नालो रहमतुल्लाह अच्छा रहमतुल्लाह जो मतलब खबर है जी जी माशाल्लाह इंशाल्लाह आगे रहमतुल्लाह बेटा आगे डले आचो नेमतुल्लाह नेमतुल्लाह यानी अल्लाह जी नेमत औलाद पंजे माइतन ला करे नेमत है अल्लाह पाक तमाम ही तमाम औलाद वारा ही उन्हीं के अल्लाह पाक औलाद अड़ी नसीब फरमाए जो को बच्चे पंजे माँ पे जा हक रखें अड़ी हुई अने अल्लाह पाक जैके इन औलाद जड़ी नेमत से नाए नवाजो इन्हीं तमाम ही तमाम ही बच्चा ही मासूम बच्चा ही इन्हीं बच्चे की नीयत के नज़र रखी रब पाक अने इन्हीं तमाम ही तमाम अड़े जो आबा भाई जैके अल्लाह पाक औलाद जड़ी नेमत से नाए नवाजो इन्हीं की औलाद जड़ी नेमत से नवाजे अड़ी पा तमाम इतनी मड़े मिली कर दुआ कहसी बार गाए ओलिया जे सदके वसीले से इनशाला नेमत अल्लाह बेटा क्यों कलाम पढ़ता है माशाल्लाह फिलहाल मगरिब नमाज वक्त थी तो इंशाल्लाह पामिनी की नमाज पढ़े दी है एक रोज मोमिनो
माशाल्लाह एक रोज मामी माँ तुम्हें पढ़ना जरूर है, एक रोज मामी माँ तुम्हें मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज वो कॉल रसूल है, पढ़ते रहो नमाज वो कॉल तैयार कर रहे वो जन्नत में अपना घर, तैयार कर रहे वो जन्नत में अपना घर, अल्लाह अल्लाह एक रोज मामिना तुम मरना जरूर है, एक रोज मामिना तुम मरना जरूर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा बेटा शिफा, शिफा जो मतलब करो है क्या लगे ना? ना अच्छा शिफा जो मतलब करो खबर है, शिफा जो मतलब ये थी कि कें के फायदो थी कें के पा में नफो शिफा शिफा उनमें जाती मन। ठीक है बेटा, ठीक है शिफा बेटा क्यों कलाम पढ़ता? तू शम्मे रिसालत है। माशाल्लाह तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। इन कलाम के पास समात कहूँ, ये कलाम बहुत बेहतरीन कलाम है। इन कलाम जी में जरा अशार पर उमदा उमदा ही मीठा अशार ही बेटा पढ़ो। तू सम मेरी सालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ए जलवा जानाना, जो साकी कौसर के चेहरे से न कब उठे, तासर रहे रोशन नूरी का ही आसाना, तू सम मेरी सालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ए जलवा जाना। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हां तमाम बच्चे वटानी पा इजाजत कन थी पहला ठीक है आलिबेद खानदान जा फर्द ही उन वटानी आऊं नात या कलाम समाज के दोसे आखिर में जरा तमाम बच्चे वटानी सलातो सलाम पढ़दा सी इंशाल्लाह ओ इजाजत न का के सामने मगरिब जो वक्त थी तो। ठीक है बेटा बाबू क्यों कलाम? अरे वाह मदीनो मदीनो दी सारो दवारिया माशाल्लाह ई कलाम बहु कच्छ जे में प्रख्यात ने प्रचलित थे। ठीक है बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाह कर मदीनो 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 जसारो दवारिया मदीने जसोड़े मेरा तू गुजारिया, मदीने जमीन मेरा तू गुजारिया, मदीने जमीना दो इन बर मरना नजर बहुत खूब नाजी ग्राम सैयद साहब जी जुबानी बा मदीनू मदीनू कलाम समात क्या सी ई कलाम बेटा केर पढ़े ख्याल है ना बड़े सैयद सलमान शाह बाबा पढ़े आई ई कलाम सैयद सलमान शाह बाबा पढ़े आई अने ई कलाम लिखेलो है मुफ्ती आजम कच्छ जा फर्जन सैयद हाजी अमीन शाह बाबा साहब जो लिखेलो कलाम है मदीनू मदीनू नीरा तू तवारी कच्छी में जबान जे मेरा कलाम है बेटा हाने क्यों जिक्र एमएल से सीना सजाए इंशाल्लाह तमाम मोमिन मोमिनात जो जिक्र एमएल से सीनो सजे रहे अड़ो पा कलाम समात कहीं बच्ची उठने क्यों कलाम जिक्र एमएल से जिक्र अहमद सजा है जिकर अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं, इश्क है ये तमाशा नहीं।
चांद सूरज सितारों को देखा, चांद सूरज सितारों को देखा, खुले मंजर नजारों को देखा, खुले मंजर नजारों को देखा, वो भी दिल को ये दिल है जहाँ में, वो भी दिल को ये दिल है जहाँ में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं, जिकर अहमद से सीना सजा है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान नाजी ग्राम आखिर जे मजारा तमाम बच्चा मिली करे ने एकरो अशआर सलातो सलाम दे पास होंदे के सलाम सलाम पढ़ दो मुस्तफा जाने रहमत बे लाखों सलाम मड़े पड़ी ने आगड़ रच बेटा आगड़ सैयदा अल्फा नमान अल्फा नमान जी जबानी पा ने मड़े तमाम मिली करे बच्चा सलातो सलाम पढ़दा ठीक है बेटा ठीक है जाने रहमत सलाम पेला को सलाम सापा जाने हिमा पेला को सल हम पस में रस में की दाया तमाम तमाम बच्चा लाखों जा रहवासी जो को मने मदरसे में पढ़ो था मने रा बोला ना नहीं ठीक है गांव से बच्चा सही करे आ ठीक है के बटे कहाँ जी करे केर पढ़ाए तो मेरी मम्मी करे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज यो मम्मी के इलम में अमल में रब पाक बरकत अता फरमाए आने बच्चे की तरबियत फरमाए रहे अल्लाह पाक तमाम तमाम जो को पापा उलमाए कराम उलमाए दीन हक कई उन्हें मिनी के अल्लाह पाक दीन रा नेक मत हले की तौफीक अता फरमाए और साथ साथ इन इलम में अमल में उम्र में बरकत अता फरमाए और तमाम तमाम बच्चे वटानी पा लाखों गाम जे में जरा इजाजत कंदा सी बेटा अस्सलाम वालेकुम ने नेंदलो ईगल टीवी करो टीवी माशाल्लाह सुभान अल्लाह शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम।
पाक मेरा जन मन दा जमाना है जुग जुग जीव शाला मेरा फिर बना है उस पाक मेरा जन मन दा जमाना है उस पाक मेरा जन मन दा जमाना है जुग जुग जीव शाला मेरा फिर बना है उस पाक मेरा जन मन दा जमाना है जिन्हें मेरे मीरा दी गुलामी कर लई है जिन्हें मेरे मीरा दी गुलामी कर लई है जिंदगी चोन कोई तोड़ भी ना रही है कोई तोड़ भी ना रही है जिन्हें मेरे मीरा दी गुलामी कर लई है जिन्हें मेरे मीरा दी गुलामी कर लई है जिंदगी चोन कोई तोड़ भी ना रही है जिंदगी चोन कोई तोड़ भी ना रही है हर कोई मेरे सोने मीरा दा दीवाना है उस पास मेरा जन मन दा जमाना है उस पास मेरा जन मन दा जमाना है जुग जुग जीव शाला मेरा फिर खाना है उस पास मेरा जन मन दा जमाना है उस पास मेरा जन मन दा जमाना है शेर बगदाद विच मेरा जीजा डेरा है शेर बगदाद विच मेरा जीजा डेरा है अल्लाह दी सुकर मामूरा दा वाला वेड़ा है अल्लाह दी सुकर मामूरा दा वाला वेड़ा है शेर बगदाद विच मेरा जीजा डेरा है शेर बगदाद विच मेरा जीजा डेरा है अल्लाह दी सुकर मामूरा दा वाला वेड़ा है अल्लाह दी सुकर मामूरा दा वाला वेड़ा है मंगले तू तो बन सकिया आस्ताना है उस पास मेरा जन मन दा जमाना है उस पास मेरा जन मन दा जमाना है जुग जुग जीव शाला मेरा फिर बना है उस पास मेरा जन मन दा जमाना है जेते उते रंग उस मेरा वाला चढ़े जेते उते रंग उस मेरा वाला चढ़े रब दी सुकम कदी उस दा ना आड़ेया रब दी सुकम कदी उस दा ना आड़ेया जेते उते रंग उस मेरा वाला चढ़े ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈ ਮੇਰਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ